वेलकम बैक टू साइको प्रोफेसर। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, कल शाम को ही ऑफिशियल डेट आज थी कि आज डिक्लेयर करने वाले हैं, लेकिन कल शाम को ही उन्होंने जो है सरप्राइज दिया, यूजीसी नेट जून 2023 का जो आपका रिजल्ट है उसको उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने रिजल्ट चेक नहीं किया तो जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है इस बार, ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे, ठीक है। ये दिल वाला दो लीजिए, तीन लीजिए, ठीक है। बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को, ठीक है, कि उन्होंने एग्जाम क्रैक किया इस बार। और जिन लोगों ने इस बार क्रैक नहीं किया है उनके लिए कोई निराशा वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो है आशावादी रहना है और आपको दिसंबर 2023 के लिए और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। इस बार जिन लोगों का हुआ है उन लोग के अधिकतर चांसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है, उन्होंने मार्च में फेलियर फेस किया होगा, ठीक है। मार्च में उन्होंने फेलियर फेस किया होगा, 80% 70% लोग वैसे ही होंगे जिन्होंने मार्च में फेलियर फेस किया होगा, एंड देन उनको जो है इस बार ये अचीवमेंट मिला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने इस बार जून में आपने फेलियर फेस किया है तो आपको जो है दिसंबर में आपके पास अच्छा स्कोप है, अच्छे चांसेस है कि दिसंबर में आपको भी इस प्रकार के कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने का मौका मिले। बशर्ते आप क्या करें, बशर्ते आप पढ़ाई जो है अच्छे से करें, जो अभी तक आप करते आ रहे थे वो सब ना करें, कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है, वो सब बातें आगे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी के साथ साथ आप लोग के लिए गुड न्यूज कि हमारे साइको प्रोफेसर बैच के जो बच्चे थे, है ना, उनमें से इस बार जो है 2 लोग का यहाँ पे नेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपके इस जून वाला जो टफ एग्जाम था आपका, उसके अंदर इन्होंने स्कोर किया और अपना जो नेट का सर्टिफिकेट इनको जल्द से जल्द यहाँ पे मिल जाएगा। कल उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने बताया उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोगों का जो है, आज 2 है, कल ये और बढ़ते जाएंगे। तो इसके अंदर भी अगर आपका नाम हो तो आप जो है क्या करना है आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। और आश्चर्य की बात यहाँ पे नहीं है बल्कि प्रसन्नता की बात यहाँ पर ये है कि इन लोगों का माध्यम कौन सा था, इन लोगों का हिंदी माध्यम था, ठीक है। कौन से माध्यम से थे, आपका हिंदी माध्यम था। अब हिंदी माध्यम देखिए, ओरिजिनली बात की जाए तो आज की तारीख में हिंदी माध्यम से कंप्लीटली कोई नहीं होता है, ठीक है। इनका जो था 80% 70% हिंदी माध्यम था और बाकी जो 10-20% बच रहा है, ठीक है, वो था इनका कौन सा, आपका इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आपको अगर ये नेट की परीक्षा निकालनी है तो आप ये बात को समझ जाइए कि आपको जो है हिंदी का क्या करना है, आपको हिंदी भाषा का आपको सपोर्ट लेना है, ठीक है। हिंदी भाषा का क्या चाहिए आपको, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको ध्यान किस पे देना है, आपको इंग्लिश के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। इंग्लिश के ऊपर आपको कैसे समझ में आएंगी चीजें, जब आपने उसको हिंदी में पहले अच्छे से पढ़ रखा हो उसके बाद ही इसको आप अच्छे से कर पाएंगे, इंग्लिश में चीजों को गैदर और ग्रैस्प कर पाएंगे, ठीक है। तो उन सभी 2 लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, उन्होंने इस बार एग्जाम क्रैक किया। एंड आगे भी जो लोग और तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने इस बार फेलियर फेस किया है उनके कई चांसेस हैं कि दिसंबर में ये नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से क्लियर नहीं किया जा सकता, हिंदी माध्यम से भी क्लियर किया जा सकता है। ये जो आपकी गलत अवधारणा या धारणा जो भी बन चुकी है उसका बदलने का अब वक्त आ गया है, लेकिन आप जो पढ़ाई करें अच्छे से करें इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि कट ऑफ यहाँ पे कितना आया है एग्जैक्टली, कितना क्या नहीं आया है, है ना। परसेंटाइल की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन वीडियो उनको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ हमारा जो है आज से ही हमारा जो कारगिल बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट है, आपका सारी यूनिट वाइज कंप्लीट होगा आपके दिसंबर 2023 के लिए, तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको वीडियो मिल जाएगी नीचे, वो आपने ऑलरेडी देख रखी होगी तो आप जो है अपना केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिए एंड इसको आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो देखते हैं हमको, ठीक है, वो भी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट जो आपका रहेगा यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपका जो है हिंदी भाषा में रहेगा, ठीक है। वो नीचे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से आपका ये कोर्स चलने वाला है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी है कि आपको जो है 26 जुलाई से हमने जो है आज से ही इसका जो बैच है नवीन उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और आपका रिजल्ट आया है कब, आपका रिजल्ट आया है 25 जुलाई को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कुछ अगर आप समझ सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे भी इस प्रकार के वीडियोस देखते रहे, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ यूजीसी नेट जून 2023, ठीक है, इसको मतलब नहीं है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कट ऑफ की टेबल आ जाएगी और इसको जो है आप सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं है,
आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने नंबर्स पे स्कोर करें, 180 200 नंबर लाए हैं आप, ठीक है, तो आप सेफ साइड में रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाके आप अपना जो रिजल्ट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है डर के मारे या किसी शंका के मारे, वो यहाँ पे जाके अपनी शंका दूर कर सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर निराश होने वाली, नाराज होने वाली और उदास होने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। ये जीवन का केवल एक स्टेज है, एक पड़ाव है, ठीक है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। दिसंबर में आपके पास खुशी का मौका रहेगा, दिसंबर 2023 के लिए, तो उसको आप ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आप इससे फेज से बाहर नहीं आए तो आपको यहाँ पे भी यही फेज, आपको सेम फेज करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फेज फेस कर रहे हैं, अगर आज दुख है तो देन अगला जो सुख है आपके लिए वेट कर रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये चक्र घूमता रहता है, दुख आपके जीवन भर हमेशा रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखें। लेकिन आप जो है अच्छे से तैयारी करें तो आपका जो नेट है आपका भी क्लियर हो सकता है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। इस बार देख लिया हमने हैंड्स प्रूफ कि हिंदी माध्यम वाले भी थोड़ा सा सपोर्ट लेके इंग्लिश का इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण हिंदी से पढ़ने आएंगे, अगर आपको पूरी हिंदी से पढ़ने आ रहे हैं तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिए इस एग्जाम को। पूर्ण हिंदी से आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूरा अगर आप हिंदी में चाहते हैं कि आपको जो सब मिले वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप बड़ी भूल में हैं। तुरंत के तुरंत आप जो है इस हिंदी को, मतलब जो सब्जेक्ट है, आप इसमें ट्राई करते रह सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी का सपोर्ट चाहिए है, प्लस आपको जो है इंग्लिश की भी मदद लेनी होगी वहां पे, क्योंकि इस बार हमने देखा कई सारे सवाल थे, 1-2-3 सवाल जो थे वो केवल भाषा की वजह से आपके जो है गलत हो गए हैं, ठीक है। और आगे कभी समय मिलेगा बताएंगे आपको पूरे इतिहास में, जो कोर्स के अंदर ज्वाइन है उनको ऑलरेडी मालूम है कि जो है हिंदी किस प्रकार से आपको जो है आपकी टांग खींचती है, आपको पीछे लेके आती है, अगर आप हिंदी पे टिके हुए निर्भर है तो, ठीक है, आपके जो है 4 से 8 नंबर आपके कम हो सकते हैं केवल इस भाषा के बैरियर से, ठीक है। इसको दूर करें, इसको दूर करने के लिए क्या करना है आपने, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उनके वीडियोस देखते रहना है, ठीक है, ओके। अरे सर कट ऑफ बताइए ना, ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कल जो था, कल तक जो था आपके यहाँ पे अलग अलग दिख रहा था, ठीक है, कल तक आपके यहाँ पे दो दो विंडो आ रही थी, JRF की अलग विंडो खुल रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग विंडो खुल रही थी, ठीक है, तो उस वजह से भी कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ, वो अपना पूरा जो है उन्होंने गलत शीट डाल दी थी पहले, कितने लोग क्या थे जोन वगैरह डाल दिया था वहां पे, ठीक है, कुछ ज्यादा ही उनको जल्दी हो गई, ठीक है, 26 को डालना था 25 को ही डाल दिया इस जल्दबाजी में, उनकी तरफ से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिससे थोड़ा बहुत जो है लोगों को डाउट वगैरह वहां पे होने लगा, ठीक है, कि हमारे रिजल्ट हुए भी है पास या नहीं हुए हैं, कट ऑफ वगैरह नेट क्लियर वगैरह सब नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए अब जो है इस एग्जाम के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, मतलब कट ऑफ की बात कर रहे हैं। 004 साइकोलॉजी देखिए यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, 1, 2, 3, 4 इनमें से नीचे कोई भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके लिए क्या था आपका कट ऑफ, उनके लिए आपका 216 आपका कट ऑफ था आपके JRF के लिए, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये आपका JRF का ब्लॉक है, ये वाला जो है आपका ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का AP का ये ब्लॉक है, ठीक है। और वहीं पे AP के लिए कितना था आपका, 194 था आपके जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको नेट क्लियर करने के लिए 194 लाने थे इस एग्जाम के अंदर, 216 लाने थे आपको JRF के लिए। तो इस बार केवल 54 लोगों को JRF मिला है, आपके 501 लोग जो है यहाँ पे 194 के ऊपर इन्होंने स्कोर किया है और उनको यहाँ पे नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा जल्द ही, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको हार्टली कांग्रेचुलेशन। उसी के साथ साथ देखिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए JRF था 206 नंबर के ऊपर, यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस है, एंड देन यहाँ पे 176 मार्क्स हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी से है तो आपको 176 नंबर लाने थे इस थोड़े से स्लाइटली टफ और वेग एग्जामिनेशन में, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे 2-4 तो बहुत ही डाइसी थे, ठीक है, जिसकी वजह से भी कट ऑफ जो है नीचे आया हुआ है। उसी के साथ साथ देखिए अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए आपका 200 पे आपका JRF मिलना था, ठीक है, और आपका देखिए सेम 176 पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो आपका कट ऑफ है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना है यहाँ पे आपका 176, ठीक है, और यहाँ पे 221 लोगों ने किया है और यहाँ पे 27 लोगों ने JRF क्लियर किया है OBC कैटेगरी से। वहां पे बात करें SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी में आपका देखिए 190 गया है, SC भी कैटेगरी भी देखिए कितना पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 190 गया हुआ है कट ऑफ, इतना हाई जा रहा है, 190 जा रहा है इस पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है ना, इसको ध्यान रखें आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 14 है, ठीक है, 14 लोगों ने यहाँ पे JRF क्रैक किया है, और यहाँ पे देखिए 162 यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए है, ठीक है, यहाँ पे आपके 99 लोगों ने किया है। एंड देन ST कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 184, ठीक है, आपका गया है किसके लिए, JRF के लिए। अगर आप 184 लाते हैं तो आपको JRF मिल सकता है, केवल यहाँ पे 6 लोगों को मिला है ST कैटेगरी से। एंड देन देखिए यहाँ पे 156 नंबर आपका था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 150 160 नंबर
ठीक है, थोड़ा सा टफ पेपर था इसलिए नीचे आया है, अदरवाइज ये 5-10 नंबर ऊपर भी जा सकता था, 168 170 टच करता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ का जो कट ऑफ है, यहाँ पे ये लो गया है, यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है ये डाउन हो गया है लास्ट ईयर से, मतलब लास्ट हम मार्च 23 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 23 मार्च के कंपेरिजन में आपका ये कम गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। और फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज जो है उनमें 188, 132, 172 इस प्रकार से अलग अलग आपका आपका कट ऑफ गया है। मेनली आपका जो ध्यान देते हैं आपका ये है नेट के लिए 194, 176 आपका दोनों कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस एंड आपका ओबीसी कैटेगरी के दोनों के लिए 176 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि अगर आप जो है दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ये जो कट ऑफ कम गया है, ये जो कम गया है, कम वैसे उतना नहीं गया है, लेकिन हाँ लास्ट मार्च के कंपैरिजन में ये कम गया हुआ है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी का हाथ तो है ही, ठीक है, पेपर टू का आपका हाथ तो है ही, लेकिन एक मुख्य हाथ यहाँ पे किसका है, मुख्य जो है यहाँ पे हाथ, मेन हैंड आपका जो है पेपर वन का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पेपर टू और पेपर वन, ठीक है, आपका जो कट ऑफ में आपको ये ड्रॉप दिख रहा है इतना ज्यादा, मतलब लास्ट टाइम 210 था जनरल कैटेगरी की बात करें, इस बार गया है 194, है ना, लगभग लगभग 16 मार्क्स का जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो ये आप समझ सकते हैं। इसमें आपके 10 नंबर तो समझ जाइए आपके 10 मार्क्स जो है आपके, ये किसकी वजह से गए होंगे, मिनिमम टू मिनिमम आपके पेपर वन की वजह से गए होंगे। एंड पेपर टू में आपके जो है 3 सवालों की वजह से, मतलब 6 मार्क्स जो आपके होते हैं पेपर टू में, आपका 3 सवालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पेपर वन चूंकि इस बार जो था थोड़ा सा टफ आ गया था आपसे, डेटा एक्सेल शीट और वो सब पूछ लिया था आपसे, उसके बाद और कुछ उत्पीड़न सवाल पूछ लिए थे, आपकी जो पॉलिसी वगैरह थी इस बार बहुत कम आई है। ठीक है, तो उस वजह से भी जो देखिए यहाँ पे 2-3 सवाल लास्ट टाइम से रिपीट हो रहे थे, इस बार आपको केवल आई थिंक एक ही सवाल पूछा गया था पॉलिसी संबंधित। ठीक है, तो उस वजह से आपका पेपर वन की वजह से जो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रॉप देखने मिला। इस बार हुआ क्या, पेपर टू तो लोगों ने ठीक किया, अच्छा किया, जैसे कर रहे थे उसी प्रकार से, लेकिन पेपर वन में क्या हुआ, काफी ज्यादा लोगों के मार्क्स, लास्ट टाइम अगर किसी ने 40 स्कोर किया था तो इस बार वो 35 पे आ गए हैं, किसी ने 35 स्कोर किया था तो वो 30 पे आ गए हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिला है, किसी ने 27 किया तो वो 22 पे आ गए हैं या 21 पे आ गए हैं। ठीक है, या इसी प्रकार से हर किसी केस में ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 नंबर निकल के आता है कि ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर जो है वहां पे, नॉट नंबर एक्चुअली, 5-5 सवाल जो है ना, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, किसी किसी से 8-9 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कमी देखने मोस्ट ऑफ द केसेस में मिली है, इसी वजह से आपका जो कट ऑफ है ये 194 पे आके रुका है आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एंड देन आपके ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 176 पे आके गिरा है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको जो है अब पेपर वन पे भी उतना ही ध्यान देना है, प्लस आपको पेपर टू पे भी आपको उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर आपका इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, अगर आपको नेट नहीं मिला है इस बार, या जिस बार आपको जेआरएफ नहीं मिला है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस बार नेट अचीव कर लिया एंड देन वो एम कर रहे थे जेआरएफ के लिए लेकिन इस बार नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आप जेआरएफ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, पेपर वन में भी आपको चीजें आप थोड़ा सा डीप में पढ़नी होंगी और उसी के साथ साथ पेपर टू भी आपको, पेपर टू तो पढ़ना ही है, वो तो मेन है ना, इसका हार्डकोर जान है इसकी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पेपर वन के ऊपर भी ध्यान देना है अगर आपको यहाँ पे जेआरएफ और सॉलिड चाहिए है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका जो है 200 हमेशा देखिए यहाँ पे आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, 200 जो है हमेशा सेफ स्कोर रहेगा अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, बस एक क्राइटेरिया यहाँ पे डिपेंड करना है इस पे कि आप पेपर कैसा आया है। ठीक है, हाउ इज द पेपर, पेपर कैसा है, लेकिन हमेशा देखिए आप ऑन एन एवरेज 200 जो है आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रहता है फॉर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 200 जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, 200 आपका यूजीसी नेट के लिए बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका ये 200 हमेशा से ही सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, ये सेफ स्कोर बस आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, अदरवाइज बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप बात करें 200 आपका हमेशा से सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, आगे पता नहीं पेपर टफ आएगा डिफिकल्ट आएगा, पेपर इतना ईजी तो कभी नहीं आएगा कि लोग जो है 260 280 290 इस प्रकार से स्कोर करें, ये बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि पेपर इस टाइप से आएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग इस प्रकार से स्कोर करें वो बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो 200 आप एम करना है आपको दिसंबर 2023 के लिए, कि आपको ये एन के इन प्रकार एंड बाय इफ्स एंड बट्स आपको कैसे भी करके आपको 200 नंबर लाने हैं। ठीक है, चाहे आप पेपर वन में ज्यादा स्कोर करें चाहे आप पेपर टू में ज्यादा स्कोर करें, दोनों मिला के एड ऑन करके आपके जो है
200 मार्क्स के आसपास आपको 198, 200 है ना, 196, 204, 202 आपको इस नंबर पे आपको एम करना है या आपको टारगेट करना है कि आप जो है 200 को वहां पर अचीव करें। ठीक है, 200 अगर आप टारगेट रखते हैं तो अदर कैटेगरीज में आपको जीआरएफ भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी सब कैटेगरीज में अनरिजर्व को यहाँ पर बस केवल छोड़ के। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेरेशन करें, हमारे सारे वीडियोस देखें पीवाईक्यू उसके जो कराते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो। ठीक है, एंड आज से ही दिसंबर 2023 के लिए काफी रेस्ट हो गया आपका। 15 जून से लेके आज कितनी तारीख हो गई है, 26 जुलाई आ गई है, लगभग लगभग आपका एक महीना से ऊपर 10 दिन आपका जो है रेस्ट हो चुका है। अब आज से ही आप लग जाइए अगले दिसंबर की तैयारी के लिए। अगर आपको देना है तो सीरियसली होके दीजिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम हियर ना, समय बहुत कीमती है, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। अगर देना है तो सीरियसली दीजिए, अदरवाइज दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए छोड़ने से पहले, ठीक है, आपको एक लास्ट अटेम्प्ट तो देना चाहिए एकदम जी जान से जोर लगा के, है ना, देखते हैं क्या होता है। एक लास्ट अटेम्प्ट आपको देना चाहिए अगर कंडीशन सुटेबल है तो, है ना, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपका काफी टाइम से आप दे रहे हैं, 3-4 बार दे दिया आपने, है ना, आप 2 नंबर से रह जा रहे हैं, 4 नंबर से रह जा रहे हैं, 6 नंबर से रह जा रहे हैं, अगर आप इस ब्रैकेट में आ रहे हैं कि आप 2, 4, 6 नंबर से, चाहे आपका नेट हो या जेआरएफ हो, अगर इस कैटेगरी में आपका रह के जा रहा है तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि आप एक बार और ट्राई करना चाहिए आपने। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपके 8 नंबर या 10 नंबर, ठीक है, अगर आप 2 से 10 नंबर के बीच यानी मैक्स टू मैक्स आपके 5 सवाल गलत होने की वजह से आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे ट्राई करना चाहिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी। ठीक है, और अगर इसके ऊपर अगर आप 20 नंबर से आप हर बार पीछे रह रहे हैं, 15 नंबर से, 16 नंबर से, ठीक है, या फिर आप 24 नंबर से, है ना, 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपके समझ जाइए कि ये जो है थोड़ा सा मतलब यहाँ पे डाइसी चीज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप 2-3 बार से इतने नंबर से आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे, अगर आप फिर भी तैयार है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए, उससे रोकेंगे नहीं हम, है ना, आपको और मेहनत करनी चाहिए और जोर से यहाँ पे दिसंबर का देना चाहिए कि कब तक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है ना, कोई जॉब कर रहा है, कोई फैमिली के साथ है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ठीक है, तो अपनी अपनी कंडीशंस देखते हुए अगर आपको लगता है दिसंबर 2023 के लिए देना चाहिए तो उसको आप बिल्कुल दें। ठीक है, और दे रहे हैं तो बिल्कुल क्या देना है, सीरियसली देना चाहिए कि इस बार आपका होना ही चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी जो थी कंफ्यूजन, उसको आई होप ये इस वीडियो से दूर हुआ हो, है ना। आपका जो भी स्कोर रहा आप को, अगर आपने पास किया है तो कॉन्ग्रेट्स, नहीं किया है तो आपको बेटर लग नेक्स्ट टाइम। ठीक है, दिसंबर के लिए आप जो है जी जान से लग जाइए आज से ही, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, एक भी समय अपना जो है उसको बर्बाद ना करें आप, बिल्कुल उस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं पास के पेपर में उनको देखिए। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपके क्वेश्चन पेपर में आपके जो अगर आंसर की आपने डाउनलोड करके रखी होगी तो उसमें क्या करें आप, देखें कि आपने अगर मान लीजिए 50 सवाल सही किए हैं, 50 गलत हुए हैं। ठीक है, तो जो 50 सही हुए हैं, वॉटसन, बंडूरा और वो सब, है ना, इनको छोड़िए, इनको छोड़िए, जो 50 आपके गलत हुए हैं उन पे फोकस करिए। ये तो आप ऑलरेडी सही कर लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो 50 में से आप 45 तो सही कर ही लेंगे नेक्स्ट टाइम, बिना पढ़े भी कर लेंगे आप, लेकिन जो आपके गलत हो रहे हैं आपको उनको फोकस करना है, है ना। आप देखिए कि अगर मार्च में दिया है तो मार्च में क्या गलतियां हुई हैं, इस बार जो हुआ जून में वो क्या गलतियां हुई हैं, या उसके पहले भी अगर आपने दिया हो वो सब क्या गलतियां हुई हैं, वो आपका जो है कोर एरिया होना चाहिए, वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगली बार का जो पेपर का पैटर्न होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, पेपर का पैटर्न का अगली बार कोई भरोसा नहीं है। इस बार भी देखिए आप मिनिमम 5 सवाल जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं। ठीक है, लगभग लगभग 4 से 5 सवाल ऐसे जो सिलेबस के बाहर से है। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस तो कंप्लीट करना है यूनिट 1 टू यूनिट 10, लेकिन उसके साथ ही आपको जो अदर चीजें हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पेपर जो है आपका ये और डिफिकल्ट ही होता जाएगा आसान होने की बजाय। ठीक है, और डिफिकल्ट होता जाएगा, और कैसा होगा, एकदम से वो कुछ नया फिर से पूछ सकते हैं, जैसे इस बार नया चेंज किया है ना, आपकी जो है एनालिटिकल थिंकिंग पे वो ध्यान दे रहे हैं कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब वो आपने क्या बंद कर दिया, उन्होंने आपसे यूएस यूआर और सीएससीआर उन्होंने पूछना बंद कर दिया। अब वो ये जानना चाहते हैं कि चलिए आपको ये तो मालूम है ये सब क्या होता है, लेकिन क्या आप इसको रियल टाइम में इसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये पूछना बंद कर दिया कि जो है आप कहाँ कहाँ पे जो है सेंसरी मोटर या जो भी स्टेजेस में है कहाँ पे क्या बताया हुआ है। उनको ये मतलब है कि आप बेबी को कहाँ पे छूते हैं, ठीक है, उसके फुट पे छुएंगे तो क्या होगा, है ना, पाम पे छुएंगे और माउथ में, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, बेली में, है ना, आपने याद तो कर लिया, लेकिन आप क्या उसको रियल टाइम में उसको आप इम्प्लाय कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं उस नॉलेज को या नहीं। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने पेपर सेट किया है, आगे भी हो सकता है इसी प्रकार से, अच्छा तरीका भी है यहाँ पे। ठीक है,
इसी प्रकार से आगे आपसे और वो सवाल भी पूछें, ठीक है। इसी के साथ ध्यान देना है कि आपकी जो रिसर्च मेथड्स है इस बार सवाल वहां से कम देखने मिले, जो आपके पैराग्राफ्स होते थे, ठीक है, वो जो है आपकी दूसरी दूसरी जो स्ट्रीम्स है साइकोलॉजी की उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर कुछ अलग स्ट्रीम से पूछ रहे हैं यहाँ पे तो उसको भी आपको बनना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप रिसर्च मेथड से पूछते हैं वो फिर से मान लीजिए पैराग्राफ ले आएंगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। मतलब आपको क्या करना है, अब आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, आपको हर चीज पढ़ के जानी है, अच्छे से पढ़ के जानी है, समझ के जानी है, और वहां पे उसको आपको अप्लाई करते आना चाहिए बिना डरे और बिना घबराए, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है उसी के आधार पे आपको वहां पे चीजों को एलिमिनेट करना है और चीजों को सीखना है वहां पर, ठीक है। अगर आप जो अपना दिया हुआ नॉलेज है उसको अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस टू होने की अच्छी हो जाती है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप जो है अपने मन से ABCD करके जो भी आप मार्क कर रहे हैं कि ये तो बनता नहीं है, है ना, नहीं बनता है, इसलिए तो सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है। अगर बनता होता तो सवाल NTA के पेपर में नहीं होता, ठीक है, नहीं बनना चाहिए, इसलिए ही वो आइटम जो है आप टेस्ट कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, आइटम डाला क्यों जाता है, वही डिफरेंशिएट करने के लिए कि 6% में कौन आएगा, 1% में कौन आएगा और बाकी के 95% लोग या 93% लोग कौन रहेंगे, ठीक है। इसी के लिए जो है टेस्ट के आपके 100 आइटम्स होते हैं इनको डाला जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो है सिलेबस है उसको अच्छे से थोरली कंप्लीट करना है, आपको PYQs कंप्लीट करने हैं एंड बाकी सब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक जो बड़ा सवाल था हिंदी मीडियम वाला बैरियर, वो भी खत्म हो चुका है, इस बार रिजल्ट प्रोवाइड हो चुका है, यहाँ पे 2 लोग ने क्लियर कर लिया है, मतलब आप भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने हार्डवर्क किया और इन्होंने सही चीजें पढ़ी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सही चीजों को पढ़ें, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो सीरीज चल रही है जून 2023 का सॉल्व पेपर, उसको भी आप कंटिन्यू देखते रहिए, दिसंबर वाले के लिए आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। एक बार फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन भी लोगों ने ये जो है एग्जाम UGC नेट जून 2023 का टफ वाला पेपर थोड़ा सा क्रैक किया, जिन लोगों ने नेट क्रैक किया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों ने JRF किया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। JRF वालों के लिए आगे कई सारे रास्ते खुले हैं, है ना, उनके पास काफी ज्यादा स्कोप है अभी आगे, है ना, इस फील्ड में, इस चीज में आगे कुछ करने का, है ना, तो उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, और जो मिलने वाला है उसके छोड़ के, ठीक है, आगे इस फील्ड में भी कुछ करें। NNET वालों के पास भी चांस है कि आगे वो JRF के लिए जाएं, रिसर्च वगैरह की फील्ड में अगर आते हैं, ठीक है, तो आगे इसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप आपके लिए बढ़ जाता है, ठीक है। एडवांटेज आपका कई कई सारे हो जाते हैं, है ना, मॉनेटरी एडवांटेज तो होता ही है, उसके साथ साथ और भी एडवांटेज आपके साथ हो जाते हैं, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे लास्ट में जो रुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए ये एग्जाम आपका है सिर्फ उस ये जो लाइन है इसको पार करने का, ठीक है, इस लाइन के बस आपको इस तरफ आना है, अगर 196 है तो आपको केवल 196 या 198 लाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे 250 नंबर, 260, 280 नंबर आपको इतने नहीं लाना है आपको, ठीक है, आपको जस्ट वो सही टाइम पे आपको सारी चीजें जो इजी वाली है उनको करते हुए आपको जस्ट लाइन के इस तरफ आना है एंड देन आप जो है सभी लोग जो है सेम कैटेगरी में देन फॉल होते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। जो भी आप पढ़ रहे हैं हमेशा ध्यान दीजिएगा सवाल इजी वाले जो हैं उनको बिल्कुल गलत ना करें, ठीक है। जब भी आप जीवन में कोई भी एग्जाम देंगे ध्यान रखिए, अगर आप आसान सवाल को जैसे कंडीशनिंग वाला सवाल था उसको अगर आप गलत कराएंगे, एरिक्सन की स्टेजेस थी उसको गलत कराएंगे, या फिर और भी कुछ सवाल थे 2-3 ऐसे आसान वाले उनको अगर आप गलत करके आएंगे, जैसे एक वो था स्टिमुलस वाला, शार्टर एंड सिंगर वाला एक वो सवाल था, है ना, एक दो एमिगडाला वाला सवाल था, अगर ये सब सवाल आप गलत कर रहे हैं तो आप पेपर देते देते ही आप क्या हो रहे हैं वहां पे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, आप बाहर हो जा रहे हैं कॉम्पिटिशन के, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए जो सबके लिए आसान है उसको आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, और गलती कभी कभी सिली मिस्टेक की वजह से भी हो जाती है, ठीक है, एकदम घबराहट हो जाती है, प्यास लगती है, है ना, पसीना छूटता है, उस वजह से भी सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वही सिली मिस्टेक तो नहीं करती है, ठीक है, ओके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तीसरी बार बोल रहे हैं, धन्यवाद।